हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी करेजी मसाला बनाने की बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी, और साथ ही इसे साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने करेजी ले ली है। करेजी के आपको मीडियम पीसेस लेने हैं। ये देखें, इतने बड़े पीसेस आप ले लीजिएगा। तो अभी हमें करेजी को वॉश करना है, जिससे कि इसमें जो स्मेल होती है वो निकल जाए, साथ इसमें जो ब्लड होता है वो भी निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक भगोना बड़ा से, और इसमें हम डालेंगे 4 से 5 कप पानी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 लेमन जूस, और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे पानी में। इसके बाद हम इसमें ये करेजी डाल देंगे और इसे एक बार मिला देंगे, और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। और अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसकी सारी गंदगी निकल जाएगी। और ये देखें, 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो कितना गंदा हो गया है, और करेजी जो है वो एकदम साफ हो गई है। ये देखिए आप, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। अब हमें एक बाउल लेना है, इसके ऊपर हम एक छन्नी रख देंगे, और करेजी को हमें छान लेना है। इसे छानकर इसका पानी सारा निकाल दीजिए। इसके बाद हम इसे 4 से 5 पानी से धुल देंगे, क्योंकि इसमें जो नींबू की खटास है वो निकल जाएगी। अब हमें लेना है कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा। जीरा मैंने क्रश करके लिया है, आप चाहें तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून में यहाँ पे लूंगी लाल मिर्च पाउडर। 1/2 टेबल स्पून में यहाँ पे लूंगी हल्दी का पाउडर। 1/2 टेबल स्पून हम लेंगे यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर। और इसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी 1 टेबल स्पून नमक। आप यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितना आप खाते हो। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे लूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है। और यहाँ पे मैं लूंगी अब 2 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर। धनिया की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी है। 2 तेज़पत्ते ले लेंगे, 1 से 1.5 इंच बड़ी इलायची और 1 बादियान फूल। अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है, और इसमें हम ये कलेजी डाल देंगे। कलेजी को मैंने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल लिया था। अब हम इसमें ये खड़े मसाले डाल देंगे, पाउडर मसाले डाल देंगे, दो टेबल स्पून भर के हम यहाँ पे लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे भी हम उसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप ऑयल, यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, और 1 कप मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि करेजी ऑलरेडी पानी छोड़ती है। इसे मिक्स कर दें। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ करेजी बनाने का। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे गैस पर रख देंगे, और ये देखिए मैंने इसे गैस पर रख दिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जिससे कि करेजी सॉफ्ट हो जाए, और 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं करेजी हमारी पकी या नहीं। और ये देखिए यहाँ पे करेजी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसमें काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो अब हम पानी को जला लेते हैं। गैस की फ्लेम आप हाई रखिए, और हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए इसे भूनिएगा। और ये देखिए करेजी में पानी कम हो गया है, तो इसीलिए अभी हमें इसे और भूनना है। गैस की फ्लेम हाई रखिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इसे डालने के बाद मिला दें,
पे कलेजी पक के तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखें कलेजी यहाँ पक के तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, ये देखें कलेजी अंदर तक सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, तो इसे सर्विंग प्लेट में एक सर्व कर लें। इसके बाद हम इसे हरी मिर्चों से गार्निश कर देंगे, जिससे कि ये देखने में थोड़ा टेम्पटिंग लगेगा। आप चाहे तो हरी धनिया के पत्तों से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यह तरीका कितना आसान था। तो एक बार आप मेरे तरीके से करेजी बना के देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही आपको समय भी कम लगेगा। तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।